ओके okay, आता आपण पहिले आपला पोएम्सचे रिव्हिजन घेऊयात. सीनियर के जी कोण पोएम म्हणून दाखवेल? लास्ट आपली मी शिकवलेली पोएम जादूगर होती सीनियर के जी. कोण म्हणणार आहे? चॅट बॉक्समध्ये नाव लिहा. कोण बोलने वाला? लास्ट मैंने सिखाई हुई जादूगर पोएम है नर सीनियर के जी को. तो सीनियर के जी में से कौन रिवाइज करेगा ये पोयम फर्स्ट? ओके, रिद्धि का नाम आया है. चलो रिद्धि का माइक शुरू करो. हाई टोपी से घोघो निकाला, हाथ से फूल कबूतर गिली गिली करता है, सदी घुमाता आया है जादूगर. लड़की निकाली से वंगेरा जोका, तलत तलत से खेल देख करना आया है जादूगर. ओके नाइस, अच्छी बोली पोएम आपने. और कौन सीनियर केजी के गर्ल्स बॉयज जादूगर पोएम बोल के दिखाने वाले हैं? मैंने लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था जादूगर पोएम लर्न करनी है. तो किसने किसने की है लर्न? सीनियर केजी गर्ल्स बॉयज चैट बॉक्स में नाम लिखो. चलो बाकी किसी की लर्न नहीं है. चलो मैं एक बार लेती हूँ पोएम, आप मेरे पीछे रिपीट करना है अच्छे से. सीनियर के जी की पोएम है, मैंने स्क्रीन पे ओपन किए. जादूगर खाली टोपी से खरगोश निकाला, हाथ से फूल कबूतर गिली गिली करता, छड़ी घुमाता आया है जादूगर. लड़का डाला लड़की निकाली, शेर बन गया जोकर. तरह तरह के खेल दिखाने आया है जादूगर. सीनियर की जी याद आई पोयम सबको? मेरे पीछे रिपीट करनी है अच्छे से पोयम, तो ही आपकी सबकी लर्न होगी. कोई बोल के दिखाने वाला है और मुझे सीनियर के जी में से? ओके ठीक है. चलो अभी नर्सरी कौन बोल के दिखाएगा मुझे? नर्सरी की गाय पोयम्स है. नर्सरी की गाय पोयम कौन बोल के दिखाएगा? लर्न किसने किसने किया है पोयम? प्रणिका का नाम आया है. चलो प्रणिका का माइक शुरू करो. अरे काम की न्यारी गाय, अगर दूध न देती गाय, कैसे पीते खाली चाय. यस गुड गर्ल प्रणिका, अच्छे से पोयम बोल के दिखाए बेटा आपने. आपने लर्न भी किए, नाइस. चलो मैं एक बार बोलती हूँ, मेरे पीछे सब नर्सरी गर्ल्स एंड बॉयज बोलेंगे. भोली भाली प्यारी गाय, बड़े काम की न्यारी गाय, अगर दूध न देती गाय, कैसे पीते काली चाय. याद आई सबको पोयम? और कौन नर्सरी में से बोल के दिखाएगा मुझे? चलो चैट बॉक्स में नाम लिखो. नर्सरी गाय पोयम बोल के कौन दिखाएगा मुझे? फटाफट चैट बॉक्स में नाम लिखो. चलो अनुष तनीष, ओके
पहले तनिष्क का नाम आया है, तनिष्क का माइक बोल शुरू करो। बोली बैली है दीदा ही कल सब वट वट क्या बोला? बोल यार चलो पढ़ यार बोल चल बोल बोल बोली बैली बोली बैली के यार पर बड़े वे हम दाम बोल 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 बड़े काम की मैं दिखाई बड़े काम की नारी का अगर अगर जो लिट्टी का अच्छे पीते चली यस गुड बॉय, अच्छे से पोएम बोलिए। माइक ऑफ करो बेटा आपका। नेक्स्ट अनुष का नाम आया है, अनुष का माइक शुरू करो। चलो अभी अनुष बोल के दिखाएगा गाय की पोएम। बड़े 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 बोले बोली भाली पानी का आगे बड़े जब से प्यारी नानी का अगर दूध न देती गाय कैसे पीते कैसे पीते काली चाय। अच्छे से पोएम बोली आपने, माइक ऑफ करो बेटा। नेक्स्ट आदित्य का नाम आया है, चलो आदित्य का माइक शुरू करो। आदित्य पोएम बोल के दिखाएगा अभी। बोली वाले प्यारी गाय यस आगे आगे बोलो। बड़े काम की बड़े काम की न्यारी गाय अगर दूध ना अगर दूध ना देती गाय तो कहते पीते काली चाय। यस गुड बॉय। नेक्स्ट कौन बोल के दिखाएगा? हो गया सबका। चलो अभी जूनियर केजी, जूनियर केजी के लिए वर्षा पोयम है। चलो जूनियर केजी में से कौन बोल के दिखाएगा मुझे पहले वर्षा पोयम? ईशा, ईशा का नाम आया है, चलो ईशा का माइक शुरू करो। वर्षा नानी अभी नाना यस अभी का मौसम बड़ा सुहाना नहीं चलेगा कोई बहाना कहे फिर आजा ठंडी ठंडी चले हवा है देखो मुन्ना खेला है। यस गुड गर्ल ईशा, अच्छे से पोयम बोली आपने, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट विराट का नाम आया है, चलो विराट चलो बोलो वर्षा रानी बोलो। वर्षा रानी अभी नाना अभी वर्षा बड़ा दुआना नहीं तो ही बाना जल्दी क्या है जल्दी आना आगे करो। नेक्स्ट आफिया का नाम आया है, चलो अभी आफिया का माइक शुरू करो। वर्षा रानी अभी न आना अभी ये मौसम बड़ा सुहाना नहीं चलूंगा कहीं बहाना क्या है जल्दी फिर आ जाना ठंडी चली हवा है देख मुन्ना खेला है। यस नाइस गुड गर्ल, माइक ऑफ करो। अभी मैं बोलूंगी आप सब जूनियर के जी रिपीट करोगे मेरे पीछे। बोलो सब वर्षा रानी अभी न आना अभी है मौसम बड़ा सुहाना नहीं चलेगा कोई बहाना क्या है जल्दी फिर आ जाना ठंडी ठंडी चली हवा है देख मुन्ना खेल रहा है। बोले सबने पोयम रिपीट मेरे पीछे।
रिपीट किए अच्छे से। ओके चलो अभी हमारा पोएम सेशन खत्म हो गया है, अभी हम हमारा होमवर्क स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सीनियर के जी सब अच्छे से ध्यान देंगे, हम पहले रिपीट करेंगे जो हमारे शब्द हो रहे हैं और बाद में हम नया शब्द सीखेंगे। समझ में आया? चलो सब मेरे पीछे बोलो क। क से कमल। रिपीट आफ्टर मी क। क से कमल। नेक्स्ट ख। ख से खरगोश। ख ख से खरगोश। ग ग से गमला। बोलो ग। ग से गमला। घ। नेक्स्ट क्या है? घ। घ से घड़ी। घड़ी आप सबको पता है अभी। घ। घ से घड़ी। ये डंग है, ये अनुस्वार शब्द के ऊपर अनुस्वार के रूप में यूज किया जाता है, ये कोई शब्द नहीं है, अक्षर नहीं है। नेक्स्ट च। च से चम्मच। से टमाटर। मैडम मोनाली मैडम, तुमचा आवाज येत नाही आणि प्रेझेंटेशन पण दिसत नाहीये। मॅडम रिजॉईन होत आहेत, आपण थोडा वेळ वाट बघूया।
माझा पण आवाज ब्रेक होतोय का? सगळ्यांना माझा आवाज येतो क्लिअर ऐकू? आता चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा. मॅडम येतोय तुमचा आवाज, स्क्रीन प्रेझेंट करा आणि कंटिन्यू करा. हो हो, येस येस. आता माझे प्रेझेंटेशन आहे. ओके, आपण स्टार्ट करूयात. मनाली मॅडम, मनाली मॅडम आवाज अजूनही ब्रेक होतोय. ओके, आता क्लिअर येतो बाकी लोग भी मैसेज करिए ताकि मैडम को पता चले कि उनका आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सिर्फ दो लोग मैसेज कर रहे हैं. सबको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है? अभी चैट बॉक्स में मैसेज करो. ओके, और अभी प्रेजेंट स्क्रीन चेक करना है एक बार. सगळ्यांना माझी ओके. आपण आता स्टार्ट. ढक्कन बोलो मेरे पीछे, रिपीट करना है. ढ से ढक्कन. नेक्स्ट आज हम न्यू वर्ड सीखेंगे. न, ये हम पहले सीखते हैं कैसे लिखना है. व्हाइट बोर्ड पर मैं सिखाने वाली हूँ. मैम तुमचा माइक ऑफ करता का? यस, चलो सब ओके. मैं सिखाऊंगी लिखना कैसा है. न सीनियर के जी. यस,
हम हाफ सर्कल बनाते हैं ओवल शेप में, तो ओवल शेप में हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ करना है। और उसके साइड में, बाजू में हमें एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और ऊपर हम शब्द, हर शब्द को स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते ही है, वैसे इसे भी करना है। तो ये हो गया हमारा न, न से बाण होता है। इससे शुरू होने वाले शब्द मोस्टली कम होते हैं, मतलब नहीं होते, कुछ कुछ शब्द हैं। तो मैं दिखा रही हूँ वापस कैसे लिखना है। न ओवल शेप में हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, बाजू करनी है, पर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया न, न से बाण, न से बाण। और एक बार दिखा रही हूँ, सब सीनियर केजी गर्ल्स बॉयज अच्छे से ध्यान देना है मैं कैसे लिख रही हूँ, ड्रॉ करना है अच्छे से। और उसके बाजू में ही हमें एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, लाइक दिस। चलो मेरे पीछे बोल, बाण ऐसे हमें हाफ सर्कल में ड्रॉ करना है, और बाजू में ही एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, न न से बाण होता है, न से गुण होता है, और न से खत्म होने वाला आणी मराठी होता है। और किसको पता है न से न शब्द हो जिसमें अक्षर होता है, पता है किसी को? ईशा, चलो ईशा बोलो न से। नारियल का क्या क्या बोला बेटा आपने? नारियल नारियल में जो न होता है वो छोटा न होता है, वो ऐसा होता है, ऐसा। तो वो ना नहीं हम अभी सीख रहे हैं, हमें अभी हम ये ना सीख रहे हैं, इससे शुरू होने वाले वर्ड्स शब्द ये हो गया बाण। और दूसरा शब्द गोड़। समझ में आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है सबको? बाण और गोड़ मैं कैसे लिखना और एक बार बता रही हूँ। न यस एक ओवल शेप में हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, और उसके बाजू में ही एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया बाण गुण। समझ में आया सबको? सीनियर केजी आफिया, आफिया बोलने की अभी न्यू वर्ड्स। न न से आफिया का माइक शुरू करो। पानी गाना। यस गुड गर्ल। पानी मैं लिख के बता रही हूँ सबको। पानी एंड गाना। गाना मीन्स सॉन्ग, पानी मीन्स वाटर। समझ में आया सबको? न
के शब्द सीनियर के जी। यस। तो आपको बुक में कैसे लिखना है, अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो सीनियर के जी, और लिखना कैसा है मैं बताने वाली हूँ। सो हम रेगुलर जैसे ड्रॉ करते हैं, फोर स्टैंडिंग लाइंस, फोर पार्टीशंस, और उसके ऊपर हेडिंग पे नौ, हाफ सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, नौ, गुण, बाण, पानी, गाना। समझ में आया सीनियर के जी कैसे लिखना है आप सबको? ओवल शेप, ओवल जो सर्कल रहता है उसका हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल ओवल, और साइड में बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ऐसे आपको नोटबुक में लिखना है वन पेज। स्टार्ट राइटिंग सीनियर केजी। नाउ हम जूनियर केजी का देखेंगे। जूनियर केजी हम एक बार जितने वर्ड्स सीखे हैं सब वर्ड रिपीट करेंगे। अनार, मेरे पीछे रिपीट करना है सब। नेक्स्ट आ, आ से आम, आ आए आम, आ आ से आम। नेक्स्ट ई, ई से इमली, ई ई से इमली, ई ई से ली। नेक्स्ट ई, ई से ईख, ईख मतलब गन्ना, ऊस, बड़ी ई, बड़ी ई से ई। नेक्स्ट ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ ऊ से उल्लू, बर्ड है एक, ऊ ऊ से उल्लू। नेक्स्ट मतलब मराठी में लोकर, ऊ ऊ से ऊन। रू, रू से ऋषि, हमने सीखा है ना कैसे लिखते हैं वो, रू, रू से ऋषि, ए सीखा है हमने, ए, ए से एक, ए, ए से एक, आई, आई से एनक, आई, आई से एनक, ओ, ओ, नहीं है, तो हम ए तक सब बॉयज है।
सब अपने अपने नोटबुक्स निकालो। मैं नोटबुक में बोलने वाली हूँ कैसे लिखना है। और सबको दिख जूनियर के जी सब अपने अपने नोटबुक्स निकाल के बैठो। सब लोग लिखेंगे ओ उसे अनार, ओ उसे अनार पूरा लाइन एक ओ लिखना है और दूसरा शब्द आ, आ से आम, आ आसे आम, वन स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, सेकेंड हाफ सर्कल और नीचे थोड़ा सा ट्विस्ट। ई, ई से इमली, ई, ई से इमली। नेक्स्ट स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, सेकेंड हाफ सर्कल और ऊपर ये अर्ध क्या हो अब लू यस लू नेक्स्ट दे ऊन ई ई से एक नेक्स्ट ऐसे एनक। यहाँ तक जूनियर के जी गर्ल्स एंड बॉयज लिखेंगे। स्टार्ट राइटिंग। समझ में आया सबको जूनियर के जी क्या लिखना है? ओके अभी हम नर्सरी का लेंगे। नर्सरी सब बोलेंगे चलो सब बोलो नर्सरी अच्छे से ध्यान देना है। ओ से अनार, ओ से अनार। नर्सरी के साथ जो जो भी बड़े बैठे हैं तो वो अच्छे से ध्यान देंगे बच्चे बोल रहे नहीं बोल रहे। और सब कंपलसरी नर्सरी गर्ल्स बॉयज बोलना है मेरे पीछे तो सबको आएगा बोलने के लिए। सो रिपीट आफ्टर मी। अ से अनार, अ से अनार, से आम, स्वीट स्वीट होता है ना मैंगो, आ आ से आम, ई से इमली, ई ई से इमली, खट्टी खट्टी होती है ना, ई ई से
नेक्स्ट ई, ई से ईख, ई, ई से ईख, बोलो नेक्स्ट ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ, बड़े ऊ से ऊन, रिपीट करेंगे नर्सरी के लिए, सीनियर के जी सबका हो गया लिख के चैट बॉक्स में मैसेज करो, सीनियर के जी बाकी सब सबका सबका हो गया क्या, चैट बॉक्स में मैसेज करना है। लिख रहे शायद, तब तक हम हमारी पोयम करें के लिए और अच्छे से बोलेंगे। ओके, विराट का भी कंप्लीट हुआ है, फिर हम पहले पोयम बोलेंगे सीनियर के जी। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी प्रेजेंट स्क्रीन? चलो बोलो रिपीट आफ्टर मी, जादूगर पोयम, जादूगर, जादूगर सबको पता है ना? चलो बोलो मेरे पीछे सब, खाली टोपी से खरगोश निकाला, खाली टोपी से खरगोश निकाला, हाथ से फूल कबूतर, हाथ से फूल कबूतर, गिली गिली करता छड़ी घुमाता, गिली गिली करता छड़ी घुमाता, आया है जादूगर, कौन आया है गिली गिली करने छड़ी घुमाने, जादूगर, लड़का डाला लड़की निकाली, लड़का डाला लड़की निकाली, शेर बन गया जोकर, शेर, शेर पता है ना सबको, टाइगर, शेर कौन बन गया, जोकर, तरह तरह के खेल दिखाने, तरह तरह के खेल मतलब अलग अलग खेल, मतलब टोपी से खरगोश निकालना, हाथ से फूल निकालना, कभी कबूतर निकालना, कभी छड़ी घुमा के जादू दिखाना, है ना? छड़ी घुमाया जादू दिखाता है, लड़का डालता है किसी डब्बे में, बड़े से डब्बे में, और गिली गिली करके छड़ी घुमा के बोलता है चलो लड़की निकलो, ऐसे लड़की निकालता है। सो ये सब कौन करता है? मैजिशियन, जादूगर। तो आया है जादूगर। समझ में आई है ना अच्छे से सबको पोयम सीनियर के जी? ईशा कंप्लीटेड, विराट का भी हो गया, आफिया की, आफिया का भी हो गया, समझ में है सबको? दिखाएगा हेल्प नहीं लेनी है, खुद से बोलनी है। जादूगर की पोएम कौन बोलेगा? चलो चैट बॉक्स में मैसेज करो, नाम लिखो,
रुंजी, रुंजी का नाम आया है। चलो रुंजी का माइक शुरू करो। खाली टोपी से खरगोश निकाला। रुंजी खाली खाली टोपी से खरगोश निकाला। हाथ यस से फूल कबूतर। गिली गिली यस गुड कबूतर गर्ल खेली माता। आया है यस जादू फल। लड़का यस लाला लड़की निकाली। शेर बन गया आगे जोकर। आगे तरह के खेल दिखाए। यस गुड गर्ल। अच्छे से पोएम बोली बेटा आपने। माइक ऑफ करो। अभी सीनियर के शब्द सीखे हुए हैं, वो शब्द मुझे रिपीट कौन करके बोलेगा, मतलब पूरा बोलना है। क से कमल, यहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ तक हमारा आज तक हुआ है उधर तक, तो प्रिपेयर करना है। तब तक पहले रिद्धि रिद्धि पोयम बोलेगी, फिर उसके बाद मैं शब्द लेने वाली हूँ। चलो रिद्धि का माइक शुरू करो। बोलो खाली रिद्धि बेटा। टोपी से खरगोश निकाला। यस आए हाथ से फूल कबूतर निकाला। हाथ से फूल कबूतर गिली गिली करता शरीर घुमाता। आया है जादूगर। लड़का निकाला लड़की निकाली। शेर बन गया जोकर। तरह तरह से खेल देता है। आया जादूगर। यस गुड गर्ल। बट अच्छे से और 2-3 बार पोयम लर्न करनी है रिद्धि बेटा, तो नेक्स्ट टाइम आपको एक्यूरेट पोयम आ जाएगी। समझ में आया? ओके अभी मुझे क से हमारा आज तक जहाँ तक हुआ है शब्द न न तक कौन बोल के दिखाएगा? सीनियर केजी चैट बॉक्स में नाम लिखो। चलो क से जो हमारे शब्द हुए हैं, जो हम हर रोज हर क्लास में पहले रिपीट करते हैं सब शब्द, सो मुझे शब्द कौन बोल के दिखाएगा? जैसे क से कमल, ख से खरगोश, ऐसे आज तक सीखा हमने न न से बाण, न से गुण, यहाँ तक कौन बोल के दिखाएगा? ओके अगेन रिद्धि का नाम आया है। चलो रिद्धि का माइक शुरू करो। बट मैं स्क्रीन पे रिद्धि का बेटा दिख रही हूँ। यस बोलो। कबूतर खरगोश गमला बोला आपने। ओके और कौन बोलेगा? ओके चलो मैं बोलूंगी, मेरे पीछे रिपीट कौन करेगा? तो अच्छे से हमारे ये सब कौन बोलेगा मेरे पीछे? चैट बॉक्स में नाम लिखो। चलो
मैं बोलूंगी क से कमल, तो आपको उसके पीछे रिपीट करना है। सी के बॉयज, नाम काम शुरू करो। रुंजी का माइक शुरू करो। जुपिटर मेरे पीछे बोलना है आप। ओके मैम। यस, चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क से कमल। क से कमल। नेक्स्ट ख। ख से खरगोश। ख से खरगोश। ग। ग से गमला। ग से गमला। घ। घ से घड़ी। घड़ी। घ से घड़ी। ये डंग, ये शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बोलेंगे हम च। च से चम्मच। च से चम्मच। छ। छ से छतरी। छ। छ से छतरी। ज। ज से जहाज। ज से जहाज। ज। ज से जबला। ज। ज से जबला। ये अर्धबिंदी के रूप में यूज कर किया जाता है शब्द के ऊपर। त्रंग है तो दांत और गाँव। नेक्स्ट ट। ट से टमाटर। ट से टमाटर। नेक्स्ट ठ। ठ से ठप्पा। ठ से ठप्पा। ड। ड से डब्बा। ड। ड से डब्बा। ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। यस। और आज सीखा हमने न। न से बाण। न से बाण। न से गुण। न से गुण। न से पानी होता है। बोलो बेटा, न से पानी। न से पानी। न से गाना। न से गाना। यस, गुड गर्ल। माइक ऑफ करो बेटा आपका। चलो अभी और कौन बोलेगा मेरे पीछे? पूरा न से क से न तक चैट बॉक्स में नाम लिखो। सीनियर के जी, गर्ल्स बॉयज, चलो ओके। रिद्धि का नाम आया है। रिद्धि आपको, रिद्धि बेटा आपको मेरे पीछे बोलना है सब सब। ओके, फिर चलो हम स्टार्ट करते हैं। बोलो क। क से कमल। से कमल। ख। कमल। ख से खरगोश। खरगोश। ग। ग से गमला। ग से गमला। ग। ग से घड़ी। ग से घड़ी। डंग, ये शब्द नहीं है, शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में इसको
हम यूज करते हैं. नेक्स्ट छ, छ से चम्मच. छ छ से छतरी. छ से छतरी. ज, ज से जहाज. ज से जहाज. ज, ज से जबला. ज से जबला. यस, ये अर्धबिंदी के रूप में हम यूज करते हैं शब्द के ऊपर. दांत जैसे गा. नेक्स्ट बोलो ट. ट से टमाटर. ट से टमाटर. ठ, ठ से ठप्पा. ठ से ठप्पा. ड, ड से डब्बा. ड से डब्बा. ढ, ढ से ढक्कन. ढ से ढक्कन. और आज हमने सीखा न. न से बाण. न से बाण. न से गुण. न से गुण. न से पानी. न से पानी. पानी. और न बोलो. न से गाना. न से गाना. यस, गुड गर्ल. अच्छा, माइक ऑफ करो. चलो, अभी जूनियर केजी कंप्लीट हुआ. चलो, अभी जूनियर केजी का हम ये सब वर्ड सब शब्द लेंगे ओरल. कौन बोलेगा फर्स्ट मेरे पीछे? आफिया. चलो, आफिया का माइक शुरू करो. आफिया. अ से अनार. आ से आम. ई से इमली. ई से ईख. उ से उल्लू. उ से ऊख. रु से रुसी. ए से एरी. आई से आईना. ओ से ओकली. औ से औरत. अन से अंगूठा. आ से आह. ओहो, आपने तो सब बिना देखे बोल दिया. मैं लगा रही थी तो आपने स्टार्ट भी कर दिया. गुड गर्ल. आफिया इज अ गुड गर्ल. नेक्स्ट किसका नाम है? ईशा. चलो, ईशा का माइक शुरू करो. उल्लू. बड़े उसे उल. नी से नीसी. क्या बोला? ऐसे दी. यस. और आगे. ओके. ओसोकली. ओसारड. अंसकुर. हा हा हा. गुड गर्ल. माइक ऑफ करो. चलो, अभी नेक्स्ट विराट. चलो बता टीचर को. चलो विराट, आप अकेले बोल के दिखाओगे? शुरू करो. चलो,
अच्छा बोल बोल तू जाती जी तो बाजू बोल 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 और से तनेश बोलो बेटा और से पहले और से बोल और से आम और से आम और से अनार अनार आ से आम ई से इमली ई से ई ऊ से उलू ऊ से ऊन रू से रूसी ए से एडी आई से ओना ओ से ओडी ओ से ओडी ओकली ओकली आउ से आईना आउ से औरत औरत आम से सांग आमचे अंगूर आणि नंतर हा 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 यस गुड बॉय तनिष अच्छे से बोला माइक ऑफ करो चलो तनिष्का ओके अभी नर्सरी में से कौन बोल के दिखाएगा चलो नर्सरी चलो बोलो कौन बोल के दिखाएगा प्राणिका चलो प्राणिका का माइक शुरू करो यस प्राणिका बेटा आशे आम ओ से स्टार्ट होता है ओ आशे आना आशे से बली शे ई उशे उल्लू बड़े उशे 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 उन उसे लुशे लेंगे ओके रुको रुको प्रणिका बेटा रुको मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ मेरे बोलना है ठीक है प्रणिका बेटा चलो बोलो मेरे पीछे असे अनार असे अनार आसे आम आसे आम ई से इमली ई से इमली बड़ी ई से ईक बड़ी ई से ईक ऊ से उल्लू ऊ से उल्लू बड़ी ऊ से ऊल बड़े ऊ से ऊल रू से ऋषि ऊ से ऋषि ए से एक ए से एक आई से ऐनक आई से ऐनक ओ से ओखली ओ से ओखली औ से औरत भी होता है और ओ से औषधि भी होता है तो आपको औरत अच्छे से याद है तो ओ से औरत औषे औलट अंग से अंगूर अंग से अंगूर और अह से अह अश आशे यस गुड गर्ल माइक ऑफ करो चलो तनिष भी नर्सरी में तो उसका भी हो गया है हम बोल के अच्छे से सबको होमवर्क पता है चलो मैं एक बार दिखा रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे सीनियर केजी के लिए नया शब्द न से बाण न से पानी न से गाना ये नया शब्द आज हमने सीखा वो वन पेज लिखना है पूरा और हमारा पोयम अच्छे से लर्न करना है कौन सा पोयम है हमारा जादूगर समझ में आया सीनियर के जी होमवर्क नेक्स्ट जूनियर के जी
जूनियर केजी के लिए होमवर्क है आज का, उससे एट तक रिपीट करना है, अच्छे से बुक में लिखना है, जैसे मैंने दिखाया था लाइंस ड्रॉ करके, स्टैंडिंग लाइंस बुक में ड्रॉ करके लेनी है और लिखना है, और पोएम लर्न करनी है. कौन सी? वर्षा. अच्छे से लर्न होनी चाहिए. समझ में आया जूनियर केजी होमवर्क? ओके, नाउ नर्सरी. नर्सरी ओ से आपको ओरल में तो ई है, तो आपको अह तक आ रहा है, तो अह तक अच्छे से लर्न करो. सिर्फ लर्न करना है. और पोयम, पोयम गाय की पोयम है हमारी, तो वो लर्न करनी है. समझ में आया सबको होमवर्क? सीनियर केजी, जूनियर केजी, नर्सरी. चैट बॉक्स में मैसेज करो. सबको होमवर्क समझ में आया है? ओके, अभी सब क्लास लेफ्ट करते कर सकते हैं. चलो सब क्लास लेफ्ट करो. बाय बाय बेटा. बाय बेटा. बाय 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 टीचर. बाय बेटा. वेलकम. बाय टीचर. हैव अ नाइस डे. बाय बाय टीचर. हैव अ नाइस डे. चलो लेफ्ट करो.